बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है जुम्मे का दिन, तो जुम्मे के दिन आज को जो ख़ास इफ्तारी बनाएंगे। माशाल्लाह रमज़ान का दूसरा जुम्मा है, तो आज मैं पहले पहले सुबह यही स्वीट बना रही हूँ, करमेल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जल्दी से बन जाती है, मैंने दूध लिया, दूध को थोड़ा सा गर्म किया, इसमें मैं पैकेट डाल दूंगी और इसके नीचे होती है वो करामेल होती है ब्लैक कलर की। तो अभी मैंने दो पत्तियां डाल दी थी, मुझे इतना ही चाहिए था। तो बच्चों को यही पसंद है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनती है। बस मैंने थोड़ा सा 1 मिनट बॉयल होने दिया, उसके बाद मैंने नीचे प्यालों में ये डाल दिया शीरा जो इसके अंदर होता है, ऊपर मैंने करामेल डाल दी। और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, तो वो जितनी ठंडी होती है उतनी अच्छी होती है। तो उसके बाद मैंने चने, काले चने बॉईल कर लिए थे क्योंकि ये रखे हुए थे और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, इनकी काले चनों की चाट बहुत ही अच्छी बनती है। तो इनको मैंने प्रेशर कुकर में नमक डाल के बॉईल कर लिया था, अभी थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है। कुछ मैं बनाऊंगी, कुछ मैं इसको इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बना रही हूँ कबाब मसाला, तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में बनाऊँगी मैं, तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। मैंने दो बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उनको पीस लिया है, और ये कबाब थे मैंने कोफ्ते और कबाब कुछ इस तरह से तैयार करके रखे थे। तो इनका मैं अभी बनाऊंगी कबाब मसाला बनाऊंगी। तो मैंने प्याज डाल दी है, बारीक पीस के डाली है मैंने, तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन ब्लैक नहीं करना है, तो इसको थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर पीसे हुए, तो ये मेरे पास रखे हुए थे टमाटर, तो फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो इसके मैंने छिलका निकाल दिया था, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और इनको डाल के मैं थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया पिसा हुआ, तो अदरक लहसुन को डाल के अभी सब टमाटर प्याज इनको अच्छी तरह से भूनना है। तो क्योंकि इनके कोफ्ते हों या कबाब मसाला हो तो उसकी ग्रेवी इसी से ही बनती है। तो मैंने इसमें हसबे जायका लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा ये डाल दूंगी। मैं मिर्च मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इनको डाल के फिर मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह से भुनना है। रमज़ान में कुछ खाने इस तरह से बनाएं कि जो झट बस जल्दी से बन जाए, तो रोज़ा भी होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह नेक महीना है, मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इसमें कढ़ाई मसाला भी डाल दिया, इससे थोड़ा टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही है। तो मैंने इसमें कढ़ाई मसाला भी डाल दिया, तो उसको मैं भूनूंगी। इसका काम यही होता है कि बस ये जो टमाटर हैं और प्याज है इनको मसालों को अच्छी तरह से भूनना चाहिए। और मेरे पास ये टमाटो प्यूरी रखी हुई थी, तो थोड़ा सा मैं ये भी डाल दूँगी, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। तो अलग तरह की होती हैं कंपनियों की ये, तो ये जो मैंने डाली है इसका इतना अच्छा कलर नहीं था, बहरहाल मैंने डाल दिया 1 खाने के चम्मच जितना डाल दिया इसमें। तो इसको भी मैं भूनूंगी, इनकी स्मेल होती है वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे 2-3 खाने के चम्मच दही ली थी, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, अभी दही भी डाल दूँगी इसमें। तो मसाला भुन चुका है, अभी मैंने दही डाल दी और सब आग हल्की करनी चाहिए दही डालने के वक्त, तो बिल्कुल स्लो कर दें। चूल्हा को मैंने स्लो कर दिया, तो उसके बाद मैं दही डाल के इसको भून लूँगी। तो बहुत ही मज़े का लग रहा था ये मसाला, इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी होती है। तो भून गया मसाला, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, अभी हसबे ज़रूरत पानी डालूँगी। तो थोड़ा देर देखें, अभी मिक्स करूँगी, थोड़ा सा नमक डाला है, नमक टू टेस्ट डालें। और देखिए अभी से ही लग रही है कि कितनी मज़े की होगी ये ग्रेवी, अभी से गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। तो जो मैंने कबाब बना के रखे थे वो एक एक करके मैं इसमें डालूंगी, मैंने कोई कबाब फ्राई नहीं किए तो ना ये टूटते नहीं हैं। तो मैंने कोफ्ते भी बनाए थे सेम इसी कबाब से, कुछ को मैंने इस तरह से लंबे शेप दे दिए थे। तो अभी मैं कबाब डाल दूँगी अभी इसमें, तो हल्का मैं बिल्कुल चलाऊँगी नहीं, बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी 20-25 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मलाई चिकन, मलाई रोल बनाऊंगी मैं। तो मैंने चिकन ली है, अदरक लहसुन, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें मैंने डाला है चिकन क्यूब्स, ठीक है। इन सब को मैंने मिक्स कर दिया, अभी सब चीज़ें मिक्स कर लूँगी क्योंकि मेरे पास शीट्स रखी हुई थी रोल की, तो मैंने काफ़ी कम रोल बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इस्तेमाल करूँ, रमज़ान है
इसलिए मैं अभी इसमें दही डाल दिया, फिर उसके बाद मलाई डाल दी, क्रीम यानी क्रीम डाल दी, मलाई हो तो मलाई डाल दें। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें चिकन क्यूब्स डाला है, उसमें पहले से नमक होता है। और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, चिकन डाल दूँगी, इनको ढक के पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि इसी पानी में इसी मसाले में ये गल जाएगी। तो चम्मच से इनका रेशा रेशा कर दूँगी, बस बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। तो इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। ये देखें चिकन तैयार हो गई है, जब ठंडी होगी तो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल दी। और ये मेरे पास चिप्स रखी हुई थी स्वीट्स की, तो मैं बैठ गई हूँ जल्दी से, मैंने कहा रोल भी बना लूँ क्योंकि मैंने बहुत मैंने लिए थे, मैंने एक पैकेट बनाया था, बाकी दो रखे हुए थे, तो इसलिए अभी मैं बाकी अलग तरीके से बनाऊँगी। चिकन मलाई रोल बना रही हूँ, तो बस इसमें चिकन रखूँगी और इनको अच्छी तरह से रोल की तरह बंद कर दूँगी। रोल बनाना, समोसे बनाना माशाल्लाह आजकल तो हर किसी को आते हैं। तो मैं एक ही हाथ से काम कर रही थी, दूसरा से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो मैं आपको जितना दिखा सक रही हूँ मैंने उतना ही दिखाया है। तो अभी मैं इनके रोल बना लूँगी। अगर आप चाहें तो चीज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने इतनी डाली है, ज़्यादा चीज़ भी अच्छी नहीं होती है, बच्चों के जितने पसंद है मैंने उतनी डाली है ताकि इसमें कुछ अलग से ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने अभी मैं बना रही हूँ काले चने, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब है, तो जल्दी से काले चने बना लेती हूँ। मैंने एक मीडियम प्याज ली है और उसको तेल डाला, तेल में मीडियम प्याज डाली, इसको ब्राउन नहीं करना है। तो इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी और हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ और नमक थोड़ा सा डालूंगी और लाल मिर्च कुटी हुई, ये चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा भूनूंगी इन चीज़ों को। अभी मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी, प्याज ब्राउन ब्लैक नहीं करने, कोशिश करें कि इसी तरह से प्याज रहें। तो काले चने की चाट बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मेरे पास जो रखे थे उनको, कुछ टमाटर मैंने ऊपर फ्रिजर में रखे हुए हैं, उससे अच्छा फ़ायदा होता है कि इनके छिलके जल्दी से निकल जाते हैं, जब धोती हूँ ना तो इनके छिलके उसी वक्त निकल जाते हैं, छिलके निकाल के बस काट लूँ। काट दिया मैंने, फिर इसको मसाले में डाल दिया। तो अभी इसको मिक्स करूँगी और बस थोड़ा सा नमक डाल दिया, फटाफट ही ये टमाटर गल जाते हैं, इतना आसान हो गया है ये काम। तो बस 2 मिनट अभी मैं इनको पकाऊंगी और देखें पता भी नहीं चला, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, छिलके वगैरह पहले से निकल गए थे। और यहाँ पे बन रहा है कबाब मसाला देखें, और यहाँ पे चने बन रहे, और इनको मसाला बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक चुका है। अभी मैं इनमें चने डाल दूँगी काले, और चनों को बस थोड़ी देर पकाऊंगी, जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे रखे हुए थे आलू, और क्योंकि मैं इनके पकोड़े बनाऊंगी, यहाँ पे हैं टमाटर प्याज धनिया हरी मिर्चें वो तैयार करके रखा हुआ था, लेमन, और इसमें मैंने काले चने डाल दिए। इनका पानी मैं अच्छी तरह से सुखा लिया था, देखें अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं काले चने, और थोड़ा सा ऊपर भी डाल दिया मैंने प्याज हरी मिर्चें हरा धनिया टमाटर, इनको अच्छी तरह से देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। और बस अभी जाके मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ। ये देखें ये है आलू के पकोड़े, जो मैं आलू बॉईल कर रही थी ना, थोड़ा सा 1 मिनट आलू को बॉईल कर लेती हूँ तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस बेसन में थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके पकोड़े फ्राई कर लिए। और ये देखें कबाब मसाला तैयार है, साथ में चटनी है, गेमत है, और पकोड़े तो मज़े के होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, और आलू के पकोड़े, समोसे, साथ में वाइट चावल मैंने बना लिए थे। तो ये करेंगे अभी हम लोग बैठ के इफ्तारी। तो अजान होने वाली थी, दुआ करें इफ्तारी के वक्त तो दुआ कबूल होती है। और वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।